देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर पे। पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जो पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला है और खबर यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। अब सुप्रीम कोर्ट में बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम के रूट की जानकारी सुरक्षित रखे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस सहयोग करे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बड़ी खबर सामने आ रही है, एसपीजी और दूसरी एजेंसियां भी सहयोग करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। केंद्र की कमेटी आंतरिक जांच कर रही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बड़ी खबर सामने आ रही है, एनआईए के भी एक वरिष्ठ अधिकारी भी टीम में हो, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। राज्य और केंद्र की कमेटी अपना काम रोक दे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बड़ी खबर सामने आ रही है, पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला। अब सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई, बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम के रूट की जानकारी सुरक्षित रखे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस सहयोग करे, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। एसपीजी और दूसरी एजेंसियां भी सहयोग करे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। केंद्र की कमेटियां आंतरिक जांच कर रही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एनआईए के भी एक वरिष्ठ अधिकारी भी टीम में हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। राज्य केंद्र की कमेटी अपना काम रोक दे, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। बड़ी खबर है, पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला। इस खबर में हमारे संवाददाता विभाषु जुड़ चुके हैं। विभाषु, सुप्रीम कोर्ट में अब जो सुनवाई है वो जल्द होगी और अब इसमें क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? अब हरियाणा के रजिस्टर जनरल को पीएम के जो यात्रा थी इसकी सभी दस्तावेज को संरक्षित और सुरक्षित करने की मांग की गई है। वही निर्देश दिए गए हैं कि आप चंडीगढ़ के डीजी का भी सहयोग लें। कोर्ट ने एनआईए की एक वरिष्ठ टीम को भी जांच का हिस्सा बनाने को कहा है। साथ ही साथ पंजाब के अधिकारियों के द्वारा एसपीजी और अन्य एजेंसियों का सहयोग कर पूरा उनके साथ सहयोग करें और साथ ही साथ जो आवश्यक सूचना उसे प्रदान करें। हल्की कोर्ट ने राज्य और एक कमेटी की जांच पर फिलहाल रोक लगा के प्रस्ताव अपने पास रखा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की जो पंजाब के फिरोजपुर में जो जनसभा होनी थी उसको लेकर कल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ बैठक करके उन्हें सभी मामलों को उनसे बताया और इन सब चीजों को रखा। जी विभांशु, पीएम का जो रूट होता है उसे गुप्त रखा जाता है और उसकी जानकारी किसी को नहीं होती, तो आखिर ये जानकारी बाहर कैसे आई, इसके ऊपर क्या कुछ जानकारी है? जी, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाता है तो वहाँ के डीजीपी और जो आला कमान अधिकारी होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं उनको रोडमैप तैयार करना होता है, मगर जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लोग लगे थे उनका भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि पंजाब सरकार के द्वारा उनका सहयोग नहीं किया गया और रोडमैप को नहीं तैयार किया गया। अगर जो जिस प्रधानमंत्री जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते पर जब प्रदर्शनकारी मौजूद थे तो वहां का जो राज्य की पुलिस है उसने हटाया क्यों नहीं? और भरसक उसमें मामला ये भी आया कि भाजपा और कांग्रेस के जो लोग थे जो सड़कों पे मौजूद थे उन पे लाठीचार्ज भी की गई और दोनों लोगों को चोटें भी आई। इसी दौरान 15 से 20 मिनट प्रधानमंत्री जाम में वहां फंसे रहे ओवरब्रिज के ऊपर, जिसके बाद सवाल काफी खड़े हुए हैं। अब ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश दिए हैं और अब इसके ऊपर जांच भी होगी। जांच के लिए कौन कौन सी कमेटी बनाई गई विभांशु? जी, जांच के लिए जो पंजाब और हरियाणा कोर्ट है उसको एक साथ एक कमेटी बनाई गई है जिसमें आपके चंडीगढ़ के डीजीआई को भी एक पद दिया गया है कि वो भी इस जांच कमेटी का हिस्सा होंगे। और वहीं इस पूरे मामले पर सोमवार को फैसला आएगा। अब देखना ये होगा कि इस मामले पे क्या फैसला आता है। सभी एजेंसियां अपनी जाँच कर रही हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री और जो भी एजेंसियां हैं सबसे पूछताछ किए जाएंगे। पूछताछ के बाद अब देखना होगा कि क्या जांच के दौरान आता है। सोमवार के दिन बताया जा रहा है कि सोमवार को इसके फैसले आ सकते हैं। जी विभाषु, इस पे कांग्रेस को भी
घेरा जा रहा है, कांग्रेस के ऊपर सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कांग्रेस का क्या कहना है, कांग्रेस की तरफ से क्या बयान सामने आया है? जी, कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने इस मामले की जांच करने की बात कही है और सीएम चन्नी से उन्होंने फोन करके और पूरा मामले को जाना है। और कांग्रेस की तरफ से कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आखिर क्यों अपने देश में ही ऐसा अधिकारियों से बोलते हैं कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक यू बोलना, मैं बच गया, इस तरह के शब्दों पे काफी वो, और रणदीप सुरजेवाला से लेके जो यूथ कांग्रेस के श्रीनिवासन है, सबने सवाल खड़ा किए हैं और इस पे तर्क वितर्क किए जा रहे हैं। वहीं जो पक्ष के लोग हैं उसमें संबित पात्रा से लेकर जो उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो प्रमुख सलाहकार सलहमणि त्रिपाठी ने भी प्रधानमंत्री के सवाल पे उठाया है। अब देखना ये होता है कि सोमवार को जांच में क्या आता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस भी सहयोग करे, इस बात का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये मुद्दा उठाया, पीएम की सुरक्षा में जो चूक का मामला है, अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।